सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य कृष्ण विष्णु पाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव चरणों मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन। हमारा अहो सौभाग्य है श्री गुरुदेव हम पर बड़ी अहेतुकी कृपा करके पुनः पुनः बड़ौत को और बड़ौतवासियों को पवित्र करने हेतु यहाँ पर आरोप। कई ऐसे संत हुए, कई ऐसे महान भक्त हुए और कई ऐसे कुसंग को ग्रहण करके पुनः भक्ति में संलग्न होने वाले भी महापुरुष जो महान भक्त बने वो महान संतों के क्षण मात्र दर्शन से उनका जीवन सार्थक हुआ, जीवन परिवर्तन हुआ। ऐसे श्री वाल्मीकि जी जो मात्र एक बार अपने गुरुदेव का दर्शन किया और उनके दर्शन मात्र से उनके सुंदर कंठ से जो सुंदर उपदेश ग्रहण किए उससे उनका जीवन परिवर्तित हुआ और महान संत वाल्मीकि जी बने। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि लव मात्र साधु संग जो है वो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यहां पर गुरुदेव बार बार आते हैं इसलिए क्योंकि वाल्मीकि जी के समय इतना प्रचंड कलयुग नहीं था। उस समय ये ना मोबाइल फोन थे ना टीवी थे और इस प्रकार की फिल्में इत्यादि भी नहीं थी जो बार बार मन भटकता। यहां पर गुरुदेव जानते हैं कि हमारे शिष्य जब मैं आता हूं तो भक्ति करते हैं, उसके उपरांत फिर माया की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए माया को जो है पीछे धकेलने के लिए यहां पर गुरुदेव बारंबार आते हैं। अन्यथा हम लोग ऐसे प्रचंड वेग जो कलयुग का प्रचंड वेग चल रहा है उसकी धारा में ऐसे प्रभावित हो रहे हैं कि बार बार जो है मन तो करता है भक्ति को और वापस अंगीकार कर लेते हैं माया को। तो यहाँ जो गुरुदेव हमको बड़ी कृपा करके यहाँ पर आते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जन जन जो है वो हरि भक्ति में लग जाए। चैतन्य महाप्रभु जो महान औदार्यवान माधुर्य में भी है और उससे बढ़कर औदार्यवान है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो मधुर है, बड़ी माधुर्यमयी है। चैतन्य महाप्रभु जो है उनसे भी आगे बढ़ करके एक कदम आगे हैं, वो मधुर तो है ही साथ ही साथ उदार भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वही राधा रानी के भावों को ग्रहण करके यहां पर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और राधा रानी बड़ी ही सरल और बड़ी उदार है, भगवान श्री कृष्ण थोड़े से है तो वो भी उदार, बड़ी कृपालु है दयालु है, तो भी राधा रानी जितनी कृपालु दयालु है और उदार है उतने भगवान श्री कृष्ण नहीं। वो नटखट है, वो थोड़े से कुटिल है और राधा रानी सरल है। इसलिए कि राधा रानी हर प्रकार से मेरे साथ या मेरे वियोग में भी हमेशा हमेशा मेरा ध्यान किस प्रकार से करती है और
मैं यदि समीप में भी हूं तो भी यदि कोई गलती से भी यह कह दे कि मधुसूदन चले गए, जिस प्रकार से मधुमंगल ने कहा कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चले गया, वो निकुंज में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की गोद में सोई हुई है और एक भोरा आकर के, एक मधुमक्खी आकर के राधा रानी के चरणों में गुनगुन गुंजार कर रही है, क्योंकि राधा रानी के चरण कमल बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें सौरभ विराजमान है। उस सौरभ को ग्रहण करने और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए वह उनके चरणों में गुंजार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी के मुख कमल को सुंदर तरीके से दर्शन कर रहे हैं, वह नहीं चाहते कि राधा रानी इतने आनंद से जो विश्राम कर रही हैं, उनके विश्राम में जरा भी विघ्न हो। तुरंत इशारे से मधुमंगल को इशारा किया, आदेश दिया कि इसको यहाँ से दूर ले जाओ। तुरंत मधुमंगल उठे, अपनी लाठी उठाई और उस भोरे को, उस मधु को, मधुमक्खी को भगाने का प्रयास करते हुए पूरे निकुंज में उसको डरा डरा के निकुंज से बाहर किया और हंसते खिलखिलाते आए, काना काना मधुसूदन चला गया, मधुसूदन को मैंने भगा दिया। मधुसूदन का नाम जो है कृष्ण भी है, और जो मधु को आकर्षण करे, मधु का संग्रह करे, वह मधुमक्खी या भोरा, वह मधुसूदन भोरा भी। यह जैसे ही राधा रानी के कानों में गया कि मधुसूदन चले गए, वो एकदम से उठी है और क्या मेरे मधुसूदन चले गए, यह सुनकर के जैसे खड़ी हुई पछाड़ खा के गिर गई है और एकदम मूर्छित अवस्था में आ गई। भगवान कृष्ण इस चमत्कार लीला को देख करके बड़े चमत्कारित हुए और राधा रानी को अंक में भर के बड़े ही आकर्षित होकर के आंखों में उनके नम आंसू आ गए कि ये कितना दुर्लभ प्रेम है, जिस प्रकार से राधा रानी मुझसे प्रेम करती हैं, मैं ऐसा उनसे प्रेम क्यों नहीं कर पाता हूं, मुझे ऐसा कभी क्यों नहीं होता है कि राधा रानी के समीप में होकर के और यदि मुझे उनके वियोग का जरा भी छींटा कचरा लगे तो मेरा जीवन भी सार्थक हो। भगवान श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि ये जो राधा रानी के अंदर जो भाव है, जो प्रेम है, वो किस प्रकार का है, मेरे सौंदर्य को किस प्रकार से वो आनंद पूर्वक दर्शन करके उसका आनंद लेती है, उसका सुख प्राप्त करती है, वह कैसा सुख है, इस सुख की कैसे मुझे अनुभव होगा, यह सोच करके भगवान श्री कृष्ण की जो अभिलाषा है भगवान श्री कृष्ण की लीला में उस समय नहीं पूर्ण हो सकी। इस अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने जो राधा रानी के समीप में जाकर के यही कहा कि मैं उन सब अभिलाषाओं को जो मेरी इस युग में, द्वापर युग में पूर्ण ना हो सकी, मैं कलयुग में पूर्ण करना चाहता हूं, इस हेतु मुझे तुम अपनी भाव प्रदान करो। राधा रानी ने कहा तुम केवल भाव लेकर जाओगे तो कदापि इस सुख को, उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मेरी अंग कांति भी लेकर जाओ। अंग कांति से क्या होगा, तुम्हारा जो वपू है, वपू बोलते हैं शरीर को, तुम्हारा जो वपू है वो अत्यंत अत्यंत कोमल है, हम अपने शरीर के अंग का स्पर्श भी तुम्हें डरती डरती करती हैं, कहीं तुम्हारे कोमल शरीर पर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, आघात ना हो, इस हेतु तुम मेरी अंग कांति को भी लेकर के जाओ। ये अंग कांति तुम्हारे वपू का पूरा संरक्षण करेगी और किसी प्रकार का आघात सहन करने में सक्षम बनाएगी। जिस प्रकार से गोपियां, जिस प्रकार से मैं तुम्हारे वियोग में पछाड़ खा के गिर जाती हूँ, उसमें जो कष्ट होता है वो तुम सहन नहीं कर सकते कृष्ण, इस हेतु तुम मेरी भाव के साथ साथ इस अंग कांति को भी लेकर जाना। चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही राधा कृष्ण दोनों एक होकर के प्रकट हुए। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वही राधा रानी के जो अनुभव है उनको अनुभव करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए।
भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग में उन सब सुखों को न जान सके उनका अनुभव यहाँ करने के लिए आए और उनके साथ समस्त वैकुंठ समस्त निजगण पार्षद इत्यादि भी प्रकट होते हैं। जब जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो अकेले नहीं आते, पूरा का पूरा धाम यहाँ पर आ जाता है, पूरे उनके पार्षद आ जाते हैं। भगवान यहाँ कुछ लीला करेंगे और वो भी गोपियों वाली, तो इनके लिए ये सहज ना होगा। इस हेतु जो ललिता विशाखा इत्यादि सखियां हैं राधा रानी की, वो भी यहाँ पर राय रामानंद और स्वरूप दामोदर ललिता विशाखा यहाँ पर प्रकट हुई हैं। राय रामानंद संवाद हुआ है चैतन्य महाप्रभु के समक्ष, जो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद और कोई नहीं ललिता और विशाखा हैं, जो राधा रानी की बहुत ही ज्यादा प्रियतर प्रियतम सखी हैं, सबसे ज्यादा सभी की सखियां हैं, वो उनको सुंदर तरीके से राधा रानी के सुंदर भावों का आस्वादन कराती। भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए। ये जो महामंत्र आप सब कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको तो प्रदान करने का यहाँ पर आने का जो कारण है ये गौण है, ये मुख्य कारण नहीं है। ये तो है ही, भगवान अपना नाम यहाँ पर प्रचार किसी भी अपने अवतार से करा सकते हैं, अपने निज गणों से करा सकते हैं, अपने पार्षदों से करा सकते हैं, लेकिन भगवान राधा रानी का जो भाव है, गोपियों का जो भाव है, उसका आस्वादन करने के लिए और अपनी स्वयं की मधुरिमा को जानने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो राय रामानंद से मिलने के लिए जब उनको पता चला, जब पुरी गए संन्यास लेकर के चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप गए, तो वहां पर सरस्वती के अवतार सॉरी बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, हे प्रभु, आप दक्षिण भारत की जो सुंदर लीला दर्शनी के लिए जा रहे हैं, वहां आपको जो रामानंद राय है, राय रामानंद जी हैं, दामोदर, ये कौन सी नदी है, गोदावरी, गोदावरी के तट पर विजयनगर से आगे आपको वो विजयनगर का ही साम्राज्य है, उसके सेनापति हैं, और जब वो यहाँ रहते थे पुरी के अंदर, तो मैं उनको एक भावुक भक्त मान करके उनका उपहास कर दिया करता था, उनके सुंदर भक्ति के लक्षण देख करके, भक्ति के अस्वीकारों को देख करके मैं समझ नहीं पाया कि ये उत्तम भक्त हैं। आज आपका दर्शन हुआ, आज मुझे पता चला कि सर्वश्रेष्ठ जो भक्त होते हैं वो भगवान के ही भक्त होते हैं, ना ज्ञानी ना योगी ना कर्मी, एकमात्र भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। आपसे ये संवाद करने के पश्चात मुझे पता चला, मैं शंकर भाष्य किया करता था और वो भक्ति किया करते थे राय रामानंद, हमेशा हरिनाम किया करते थे और मैं शंकर भाष्य से उनका उपहास करता था, उनको बताता था भगवान निराकार है और तुम साकार की भक्ति करते हो, उनका जन्म हुआ उनका मरण हुआ तो काहे के भगवान है, अरे भगवान का कोई जन्म होता है, भगवान का कोई मरण होता है, इस तरीके से मैं उनको उपहास करता था। मैं समझ ना सका, प्रभु ये जन्म मरण की लीला नहीं, ये तो प्रभु आपकी इच्छा से, आप अपनी इच्छा से यहाँ जन्म लीला करते हैं, साधारण जीवों की तरह जन्म नहीं लेते, जिस प्रकार से मैया के गर्भ में हम सब प्रकट होते हैं जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान जन्म लेते हैं तो बड़ी अत्यंत पवित्रता के साथ, भगवान किसी अत्यंत पवित्र आत्मा जो भक्त होती है उनके गर्भ में जो सुंदर तरीके से पवित्र करने के लिए पहले बलराम जी प्रकट होते हैं, आसन बिछाते हैं, वहां पर भगवान विराजमान होते हैं, वो भी उनकी इच्छा से, किसी पुरुष और किसी स्त्री के संसर्ग से नहीं, भगवान बड़े पवित्रता के साथ वहां पर आते हैं, पहले हृदय में उसके बाद गर्भ में,
वहां पर विराजमान होते हैं। हे प्रभु, आप बड़े कृपालु दयालु, अभी तक मैंने मायावाद का प्रचार किया, मैं आज समझ सका कि आप जो है परम ईश्वर भगवान हैं, और आपने मुझे हर प्रकार से मुझे बतला दिया। हे प्रभु, भक्त से बढ़कर कुछ नहीं। तो कृपा करके जो मुझसे अपराध बने हैं, वह तो भक्त हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, निश्चित तौर से मुझे क्षमा करेंगे। तो भी आप दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं, कृपा करके राय रामानंद से जरूर आप उनको कृपा अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनके पास जरूर जाए। राय रामानंद सेनापति हैं बहुत बड़े, और विजयनगर के सेनापति, वहां पर जाकर के हर प्रकार से ऐश्वर्य को पालन करते हैं, पालकी में बैठते हैं, बहुत क्षत्रिय वेश धारण करते हैं, और क्षत्रिय वेश धारण करके पूर्ण तरीके से सेनापति जिस प्रकार से मुकुट सुंदर तरीके से जो आभूषण पहन करके, अलंकार पहन करके, सुंदर रेशमी धोती और कुर्ता पहन करके, जो स्वर्ण से रंजित होती है, लगी हुई होती है उसमें, उसको पहन करके अपना पूरा का पूरा प्रजा पालन कर रहे हैं। वहां जब स्नान करने के लिए गोदावरी में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, वहां स्नान करके बैठे हैं और हरिनाम कर रहे हैं, तभी देखा बड़े गाजे बाजे के साथ राय रामानंद जी की पालकी आ रही है, पीछे पीछे वेद पाठी ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए सैनिक आ रहे हैं। वहां जाकर के जब स्नान किया उन्होंने, तो चैतन्य महाप्रभु को देखा स्नान करने के पश्चात, तो स्तब्ध रह गए कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। उनके पास गए, उनको साष्टांग प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया उनके भक्ति के अष्ट विकार प्रकट हुए। महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, आलिंगन करने के पश्चात वे दोनों इस प्रकार से देख रहे हैं एक दूसरे को, जैसे करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए हों, और एक दूसरे को प्रेम से पाने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो देख रहे हैं, सन्यासी का धर्म नहीं है किसी भी शूद्र को अंगीकार करना, ये छोटी जाति के होने पर भी अपने विवेक कौशल से सेनापति बने थे। देखो यहाँ एक विशेष हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर व्यवस्था दी गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सब व्यवस्थाएं हैं, इनमें रहकर के अपने अपने कर्म और धर्म को समझ करके करना चाहिए। तो भी यदि कोई शूद्र कुल का, यदि कोई क्षत्रिय स्वभाव वाला है तो वो क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, परंतु शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण के कार्य नहीं कर सकता। हाँ, वो भक्त जरूर बन सकता है, ब्राह्मण से भी कुछ कोटि को प्राप्त कर सकता है शूद्र। तो यहाँ पर वही देखा, ब्राह्मण जो वेद पाठी थे इस बात को नहीं जानते थे कि छोटी जाति का व्यक्ति राय रामानंद और सन्यासी जो महान संत हैं, वो उनको गले में लगाकर इस प्रकार से जकड़े हुए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक शूद्र को सन्यासी कैसे इस प्रकार से अंगीकार कर सकता है, और शूद्र भी कैसे एक सन्यासी को अंगीकार कर सकता है। ये प्रेम की विविधताएं, विचित्रताएं, ये नहीं जान सके वेद पाठी। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज तुम इस वेशभूषा में आए हो और ये जो ब्राह्मण है हम लोगों पर इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। फिर उन्होंने इशारों इशारों में अगले दिन आने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन राय रामानंद वहां पर प्रकट हुए, कोई गाजे बाजे लेकर नहीं आए, कोई ब्राह्मण लेकर नहीं आए, और भक्त के परिवेश में वहां पर आए हैं। चैतन्य महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किया है, महाप्रभु ने उनसे पूछा है बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न कि कौन कौन से व्यक्ति की क्या क्या धर्म है। उन्होंने समस्त प्रकार के कर्मी के, ज्ञानी के, योगी के, गृहस्थ के, समस्त प्रकार के कर्म धर्म बतला है। उनसे आगे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, उससे आगे क्या? उन्होंने बोला, सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने कहा, नहीं, इससे भी कुछ आगे है। गीता में तो 18वें अध्याय में गीता यहाँ समाप्त होती है इस श्लोक पर, कि समस्त प्रकार की जो धर्म है, चाहे वह कर्म कांड का हो, चाहे ज्ञान कांड का हो, चाहे किसी भी प्रकार के हम कर्म धर्म में लगे हुए हैं, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे किसी प्रकार का भी